नमस्कार प्रिय किसान भाई, आपका अपने जलजी फार्म खेती बाड़ी में फिर से एक बार स्वागत है। किसान भाइयों, अभी काफी समस्या बनी हुई है, पानी नहीं गिर रहा है और हमारी सोयाबीन हर जगह करीब करीब ऐसी लग रही है कि सूख रही है, सूखने वाली है, और ऐसी बड़ी बड़ी दराजे हमारे खेत में पड़ने लग गई दरारें, और करीब करीब अगर जो खोद के देखे नीचे तो मिट्टी भी सूखने लग गई, नमी भी कोई खास बनी हुई नहीं है। अब एक असमंजस यहाँ पर बना हुआ है कि हम सोयाबीन में क्या मोटर चालू कर दे, बोरवेल का पानी छोड़ दे, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसान भाइयों, सोयाबीन में पानी तो छोड़ दे, पर यहाँ पर दो तीन समस्या बनी हुई होती है। क्या है कि एक तो हमारे खेतों में यहाँ पर पाट नहीं बना होता है, या फिर कहते हैं क्यारी बनी हुई नहीं होती है कि आपने एक क्यारी में पानी छोड़ दिया और उसे तुरंत बंद करके अगली क्यारी में पानी छोड़ दिया। उससे क्या होता है कि अगर जो पानी छोड़ दिया तो वो पानी जमीन में कम मरेगा या अंदर कम उतरेगा। अब इसमें लगातार आपने पानी छोड़ दिया, वो तो बहकर जा रहा है, कोई आप बंद नहीं कर रहे, तो इससे समस्या एक सबसे बड़ी ये हो जाएगी, इसकी जड़ गलने लग जाएगी और वो सड़ जाएगी बहुत जल्दी से, उससे आपका पौधा खड़े का खड़े सूख जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दूसरी समस्या किसान भाई क्या आती है कि जो आपके फली में दाना भरा गया है, अब यदि आपने पानी छोड़ दिया बोरवेल का, तो ये दाने की साइज जो बनी है वो वहीं की वहीं रह जाएगी या बड़ी नहीं हो जाएगी, दाना इतना सा ही रह जाता है। तो पानी फिरने से अगली समस्या ये आती है। अब किसान भाई, इसमें अगली जो समस्या आती है, तीसरी समस्या, कि जो हमारी सोयाबीन है इसमें ब्लाइट लग जाता है, ये पीली पड़ने लग जाती है पानी छोड़ने के बाद में। अब किसान भाई, यद्यपि हमें पानी छोड़ना ही है, तो उसमें क्या ऑप्शन है हमारे पास कि हम सोयाबीन में पानी छोड़ दें जिससे हमारी सोयाबीन में पीलापन भी ना आए और वो हरापन उसमें बना हुआ रहे और हमारा दाने की साइज भी अच्छी बन जाए। तो सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा ऑप्शन है कि स्प्रिंकलर। किसान भाइयों, हमें स्प्रिंकलर से इसमें पानी छोड़ सकते हैं, या फिर आपके पास स्प्रिंकलर की जो लंबी गन होती है कि यहाँ से 50 मीटर या 50 फीट तक जो पानी फेंक देती है, उसका आप जगह जगह रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। करना क्या है कि आपको स्प्रिंकलर सिर्फ इतनी देर चलाना है कि आपके पत्ते आसानी से अच्छे गीले हो जाए और कुछ पानी हमारा एक आध इंच जमीन में अंदर चले जाए, इससे ज्यादा हमें पानी नहीं छोड़ना। और स्प्रिंकलर आपको चार चार दिन में, तीन तीन चार चार दिन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर जो आप ये नहीं कर रहे हैं और आपका खेत यदि छोटा है या ढालू खेत है, तो वहां पर आप मोटर चालू कर दीजिए और स्पीड से पानी जाने दीजिए, या फिर छोटे छोटे क्यारों के रूप में कि 50 फीट पानी चला, फिर उस हिस्से में पानी बंद कर दिया और फिर आगे के हिस्से में पानी चला दिया, एक ऑप्शन ये है। ये जो ऑप्शन है बोरवेल से पानी छोड़ रहे, काफी खतरनाक हो सकता है, इससे हमारी सोयाबीन खराब होती है। किसान भाई, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल कर चुके हैं कई बार पहले, ऐसा हो चुका है कि बारिश नहीं हुई है, मोटर का पानी छोड़ दिया है, तो सोयाबीन कुछ दिनों के अंदर पीली पड़ने लग जाती है और उसकी जड़ खराब हो जाती है। और तो और हमने कई किसान भाइयों से चर्चा भी की है कि पानी छोड़ने के बाद क्या समस्या आती है, सबके मिली जुली प्रक्रिया रही थी कि सोयाबीन खराब होगी। अब किसान भाइयों, होता क्या है कि आपकी जो सोयाबीन पकने की कगार पर है कि मात्र 15 दिन में ये सोयाबीन पककर तैयार हो जाएगी, तो उस सोयाबीन में आप पानी छोड़ते हैं तो वो ठीक रहेगा, पर उसमें भी हमें संभल कर पानी छोड़ना, ऐसे नहीं कि पानी छोड़ दिया और काम खत्म है। मैंने आपको बताया कि थोड़े थोड़े हिस्सों में पानी छोड़िए। किसान भाई, इस प्रकार की समस्या का आपने सामना इसके पहले कब किया था, आपका अनुभव इसके बारे में क्या रहा, कमेंट कर जरूर बताएं, जिससे हमारे और किसान भाइयों का फायदा हो सके। तो ऐसी अच्छी जानकारी के लिए चीफ फार्म खेती बाड़ी चैनल को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।